पंजाब में अमृतसर के बाबा बकाला साहिब में शुक्रवार को रखड़ पुनिया के मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 6000 आंगनवाड़ी वर्करों की भर्ती का ऐलान किया। इसके लिए पंजाब सरकार जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी। सीएम ने पंजाब में 4300 पुलिस मुलाजिमों को भी जल्द नियुक्ति पत्र देने की बात कही है। रखड़ पुनिया पर बाबा बकाला साहिब में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। रखड़ पुनिया पर लंबे समय से कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के अलग अलग मंच लगते रहे हैं, लेकिन इस बार सिर्फ पंजाब सरकार की तरफ से कार्यक्रम किया गया, किसी अन्य पार्टी ने मंच नहीं सजाया। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भगवंत मान ने सरकारों की नौकरियों की घोषणा के साथ साथ पंजाब और माझा बेल्ट के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। सीएम ने पंजाब में जल्द 16 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया। पंजाब में पहले से 9 मेडिकल कॉलेज हैं और 16 नए मेडिकल कॉलेज बनने के बाद सूबे के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। इसके बाद युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन या दूसरे देशों में नहीं जाना होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल बात की जाए अगर पंजाब में जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन अमृतसर में किया गया, उसमें सीएम मान ने कई अहम घोषणाएं की है और सबसे अहम घोषणा मानी जाए तो मेडिकल कॉलेज की है, जिससे पलायन को रोका जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर बात करें कि पंजाब की एक मेजर पॉपुलेशन है जो बाहर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाती है। अगर हम कहें कि पंजाब के पास अभी 9 खुद के मेडिकल कॉलेज हैं, वहीं पर ही अगर हम कहें बाबा बकाला साहिब में जहां पे भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री गए थे, उन्होंने 16 और मेडिकल कॉलेज जो जल्दी ही पंजाब में शुरू कर दिए जाएंगे उनकी अनाउंसमेंट की है। इसके लिए बाकायदा सेंटर से 1760 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है, जिसे हम कह सकते हैं कि पंजाब में मेडिकल एजुकेशन को एक मेजर बूस्टअप मिलेगा। जहां एक तरफ 16 मेडिकल नए कॉलेज लाए जाएंगे तो उसके बाद 2 अन्य कम्युनिटी कॉलेज भी लाने की बात की गई है। ये एक मेजर अनाउंसमेंट हम कह सकते हैं एजुकेशन सेक्टर की है। तो वहीं दूसरी तरफ हम कह सकते हैं नौकरियों को लेकर भी एक मेजर अनाउंसमेंट की गई है। 10,000 के करीब हम कह सकते हैं कि जल्दी ही नौकरियां पंजाब के नौजवानों को मिलेंगी, पंजाब के लोगों को मिलेंगी, जिसमें 6,000 आंगनवाड़ी की नियुक्तियां रहने वाली हैं जो जल्दी ही पूरी कर दी जाएंगी। देखिए, ये भी खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज मैं 6,000 नौकरियां ऐलान कर रहा हूं और ये अगले 2 महीने के अंदर ही इनको पूरा कर दिया जाएगा। तो वहीं अगर हम कहें कि पंजाब पुलिस में भर्तियों को लेकर हम कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर देना बाकी था, जहां सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, तो उसमें भी अगर हम कह सकते हैं कि 4,300 भर्तियां उनके अपॉइंटमेंट लेटर जल्दी दे दिए जाएंगे। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि अगले 2 महीने में पंजाब सरकार 10,000 नई भर्तियां करने वाली है। तो ये देख सकते हैं 2 मेजर अनाउंसमेंट, एक तरफ जहां मेडिकल कॉलेज की हम बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव होंगी, तो दूसरी तरफ हमारे पंजाब के यूथ को, नौजवानों को, शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए अमित, तो शिक्षा को तो शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी बढ़ोतरी देती नजर आ रही है और उसको बढ़ावा देती नजर आ रही है। हमने जब यूक्रेन का युद्ध हुआ उस समय हमने देखा था किस तरीके से वहां से छात्रों को लाया गया और वो छात्र वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। उस समय में सबसे ज्यादा पता चला कि पंजाब में मेडिकल कॉलेजेस की कमी है। अब ये जो पंजाब में ये मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, क्या इससे उस पलायन को रोका जा सकता है कि उसमें कमी आएगी? जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पे हम बात करें कि जो पंजाब में 16 नए मेडिकल कॉलेज, आप रेशियो कंपेयर करें, देखिए इससे पहले पंजाब के पास 9 मेडिकल कॉलेज है और उससे लगभग हम कह सकते हैं लगभग डबल मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मतलब 9 ऑलरेडी एग्जिस्ट है प्लस अगर हम कहें 16 और 9 अगर आप गिनती जोड़ते हैं लगभग 25 मेडिकल कॉलेज, मतलब पंजाब के हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। तो जो पंजाब से पलायन है उस पर काफी ज्यादा नकेल कसी जा सकेगी, क्योंकि पंजाब में बच्चे तभी बाहर जाते हैं जब उनको पंजाब के अंदर सीट्स नहीं मिलती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पंजाब से बाहर जाकर अगर हम कहें कि नौकरियां एजुकेशन ईजी है, उल्टा बाहर जाके खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है और एक्चुअल में उस डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि पहले वहां पर उनको 10 साल काम करना है तो उसके बाद वो आकर पंजाब में काम कर सकेंगे, अपनी मेडिकल डिग्री का इस्तेमाल कर सकेंगे, पर वही पंजाब में अगर पढ़ाई करेंगे तो तुरंत उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया।